इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में 4 चम्मच देसी घी लेंगे। देसी घी के बदले आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चम्मच से 1 चम्मच मैदा ले लेंगे हम। अब घी और मैदे को हम 5-7 मिनट के लिए इस तरह फेंट लेंगे, जिससे कि ये एकदम स्मूथ हो जाए। आप घी या बटर जो भी लेंगे, ध्यान रहे कि वो एकदम लिक्विडी हो या फिर एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब हम दूसरा बोल ले लेंगे। इसमें हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदा को मैंने पहले ही छान लिया है। स्वाद के अनुसार नमक, 2-2 चुटकी काला जीरा और अजवाइन, और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको एक साथ मिक्स करेंगे। इसको लगभग 6-7 मिनट के लिए हम मोयम करेंगे। इससे बिस्किट बहुत खस्ता बनेगी। तो जब इस तरह आपको मुट्ठी बन जाए तो आप समझ जाइएगा ये हो गया है। ये देखिए, अब हमें इसका डो रेडी करना है। इसके लिए हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे पानी को डालते हुए हम एक टाइट डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना टाइट है। अभी इसको हम 5-7 मिनट के लिए इसी तरह ढककर छोड़ देंगे। 5-7 मिनट के बाद इसको हम बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसे 1-1.5 मिनट के लिए फिर से इस तरह मिक्स कर देंगे। डो को बेलने के लिए आपको थोड़े से बड़े जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप चाहे तो इसको काउंटर टॉप के ऊपर बेल सकते हैं या फिर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम एक बराबर से कट कर लेंगे। इससे हम जो शीट्स रेडी करेंगे वो एक साइज़ की होगी। आपका जितना मैदा है उस हिसाब से आप इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब इसको हम अलग कर लेंगे। अब एक पीस लेंगे और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह करके हम सारे पीसेस का पेड़ा पहले रेडी करके रख लेंगे। अब एक पेड़ा को लेकर हम सूखा मैदा लगाते हुए एकदम पतला शीट रेडी करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है खारी बिस्किट बनाने का। आप चाहें तो पूरा डो को एक साथ बड़ा करके बेल सकते हैं, पर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी और हाथ में भी दर्द हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। बस ध्यान रहे ये जो शीट आप बेलेंगे ये एकदम पतली और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये देखिए, इसी तरह हम सभी को बेल लेंगे। सभी सीट्स को बेल लेने के बाद अब एक सीट हम लेंगे। फिर हमने जो पेस्ट को फ्रिज में बना के रखा था वो लेंगे और उसको ब्रश की हेल्प से सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथ से भी इसको लगा सकते हैं, पर सब तरफ बराबर से लगाइएगा। लगाने के बाद फिर से हम दूसरा शीट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह इसको सेट कर देंगे। अब हम सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। फिर से शीट लगा देंगे, सेट कर देंगे, और इसी तरह करते हुए हमने जितना भी शीट बेला है हम सबको सेट कर देंगे। तो ये देखिए, ये इतना मोटा हो गया है। अभी लगभग 1 इंच के करीब इतना मोटा हो गया है। अब इसके ऊपर फिर से हम सूखा मैदा छिड़केंगे। छिड़कने के बाद इसको हम बेलेंगे। ये 1 इंच का है, इसे हमें बेल कर आधा इंच का करना है। तो ये रेशियो को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका 2 इंच मोटा ये बनता है तो आपको 1 इंच तक बेलना है। ये देखिए, शीट हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम अपने पसंद के हिसाब से ट्रायंगल, स्क्वायर, लंबा, जिस तरह भी आप चाहते हैं इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कट किया है।
और जो हमारे साइड्स निकले थे उसको मैंने बर्फ़ी के शेप में कट कर दिया है। अब हम बेकिंग ट्रे में फॉइल पेपर लगाकर ले लेंगे और इसके ऊपर बिस्किट को रख देंगे और फिर इसको हम 10 मिनट प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट के लिए 160 डिग्री में कन्वेक्शन मोड पर बेक करेंगे। 15 मिनट हो जाए तो इसको बीच में एक बार पलट देंगे। तो ये देखिए लगभग 30 मिनट के बाद मेरा बिस्किट है जो बनकर रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना खस्ता और कुरकुरा बना है, बीच से इसका पूरा लेयर दिख रहा है। आप इसको चाहे तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने बहुत सारी बिस्किट्स और कुकीज़ को बेक करना बताया है, मैं लिंक डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप इसको बेक कर लीजिएगा। तो ये रेडी हो गया है।